चलिए स्वागत है आपका एक बार फिर। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी, झाड़वन फार्म हाउस पर चौधरी परिवार की ओर से एक बड़ी मीटिंग का आयोजन किया गया था सभी कार्यकर्ताओं की, एक ही निगाह थी कि इस कार्यक्रम पर आखिर चौधरी परिवार की ओर से क्या फैसला लिया जाएगा, लेकिन पूरी तरह से इस आज फैसले को फिर उलझा दिया गया। बड़े चौधरी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, चौधरी रुद्र सेन साहब, सर आज क्या फैसला लिया गया? छोटे भाई भी पूरी तरह से आज पूरी तरह से एक तरफा कटाक्ष करते हुए नजर आए, तो किस तरह से आज के फैसले को देखें? देखो अभी साथियों की राय आई, क्योंकि मैंने पूरी सबकी राय सुनी नहीं, मैं पूछ कर दिया है किसकी क्या राय है, किस तरह किस तरीके का है, उसके बाद साथियों की जो भी राय होगी वो काम करेंगे। अभी कहीं किसी पार्टी में जाने का फिलहाल कोई वो नहीं है। जहाँ तक नेता की बात है, मैंने पहले भी कहा था, मैं आज भी कह रहा, नेता अच्छे अखिलेश जी हैं, पर अखिलेश जी को मैं अच्छा नेता मानता हूँ। गंगो विधानसभा से उन्होंने प्रभारी पद से अपना जनता के बीच बोल दिया कि मैं आज से इस पद को छोड़ रहा हूं, तो इसके बारे में आप दोनों के बीच कोई बात हुई थी? नहीं, अभी हमारी बात भी नहीं हुई। अभी वो सहारनपुर से आया, आज तो सीधा वो मीटिंग में आ गया, बात करेंगे भी। तो अभी आप समाजवादी पार्टी में ही है? तो किसने कहा समाजवादी पार्टी छोड़ दी? मैंने तो नहीं कहा अभी समाजवादी पार्टी छोड़ दी। क्या कहेंगे सभी कार्यकर्ताओं का? सभी कार्यकर्ता इंतजार करेंगे, देखेंगे, इंतजार कर रहे सभी कार्यकर्ता, पता सबको क्या करना, इंतजार करेंगे। चौधरी रुद्र सेन को आपने सुना, अभी पूरी तरह से फैसला नहीं लिया गया है। चलिए बात करते हैं चौधरी इंद्र सेन साहब से। आज समाजवादी पार्टी के जो गंगो विधानसभा प्रभारी अब से पहले थे, यानी इन्होंने खुले मन से आज ऐलान कर दिया कि गंगो से समाजवादी पार्टी का जो मुझे पदभार मिला, गंगो विधानसभा जो प्रभारी बनाया, मैं खुले मन से आज इसे छोड़ने की घोषणा कर रहा हूँ। बड़े हताश, बड़े निराश कार्यकर्ताओं के बीच, वाद विवादों के बीच क्या फैसला हुआ, इस पर बात करते हैं। चौधरी साहब, क्या आज फैसला लिया गया? बड़े कलक लहजे में आज बात हुई। नहीं नहीं, हताश और निराश कार्यकर्ताओं के बीच नहीं जी, आक्रोशित और गुस्साए कार्यकर्ताओं के बीच जी। मैंने गंगो विधानसभा प्रभारी का पद जो यहाँ हमारे सभी साथी थे उनकी वजह से मुझे मिला था, उनके सुपुर्द कर दिया। वो उसको चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास पहुँचा दें, चाहे किसी के पास पहुँचा दें, चाहे मेरे से वापिस देना चाहेंगे वापिस दे देंगे। फैसला कुछ भी नहीं हुआ, फिर एक बार फिर सस्पेंस रख दिया गया फैसला, क्योंकि सभी साथियों ने यह कहा था कि बहुत सोच समझ के फैसला लेना है, तो सोच समझने के लिए, विचार करने के लिए हमें दो तीन दिन का समय चाहिए था, क्योंकि अलग अलग विचार आए, अलग अलग हुआ है, तो विचार मंथन करेंगे। सहारनपुर लोकसभा का फैसला हमने वो पेंडिंग रख दिया। अभी क्या राय आई कार्यकर्ताओं की, किस बात को लेकर ज्यादा नाराज है? नाराजगी सिर्फ इतनी है कि विश्वास में लेकर कदम क्यों नहीं उठाया गया, कि जो वायदे किए थे पंचायती रूप में थे तो विश्वास में लेके करते। अभी तक हाईकमान का कोई फोन भी नहीं आया। ये दो तीन दिन का समय ये भी है कि देखते हैं हाईकमान का फोन आता है या नहीं आता। मैं यहाँ कहने में है वो भूल गया था कि हाईकमान का जो फोन है उसका भी इंतजार करेंगे। इस दो दिन के अंदर अंदर अगर उनका फोन आता है तो और गंभीरता से होगा। फिर ये दो तीन दिन समय का इसलिए टाइम दिया। ये हाईकमान के फैसले की कुछ लोगों ने कही थी ये बात, क्या कि जी उनका फोन आ जा तो हमसे पूछ रहे थे कि आया नहीं था। हमारी हाईकमान है, हमारे साथी और समर्थक, बस इन्होंने फैसला हमारे सुपुर्द कर दिया। वो उनके ऊपर निर्भर है कि वो करेंगे या नहीं करेंगे, जो भी है वो हमें उसकी इंतजार नहीं है, या वो करना चाहेंगे या जैसा भी करना चाहेंगे। हम हमारे समर्थकों की, साथियों की राय पे और गंभीरता से मैंने, क्योंकि विस्तार पूर्वक बताया, आपने सुना ही है, सब कुछ सुना है, तो फिर उन्होंने जो सौंपा उस पर हम विचार विमर्श करें। दोबारा कोई फिर मीटिंग बुलाई जाएगी या एक मैसेज के द्वारा? नहीं नहीं, दो तीन दिन में हम विचार मंथन करके आपके जरिए, मीडिया के जरिए जो है ये लोगों तक पहुंचा देंगे। तो आपने चौधरी इंद्र सेन साहब को सुना, वैसे तो लगभग एक घंटे तक इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के बीच अपने बात रखी, लेकिन एक बार फिर कैराना और सहारनपुर लोकसभा पर एक सस्पेंस फंसा हुआ है। बन रही है मेरे साथ।